टीम इंडिया अभी वेस्ट इंडीज के दौरे पर है, जहां टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की। टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया अब वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है, जिसमें दो मैचों के बाद सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और तीसरा मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया को दूसरे मैच में 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम को काफी ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर टीम की हार पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। फैंस अपना आपा खो बैठते हैं जब उनकी पसंदीदा टीम को हार प्राप्त होती है। लेकिन टीम इंडिया की बात करें तो दूसरे देशों के कई खिलाड़ियों को भी भारतीय टीम की हार का इंतजार रहता है। अब भला ये इसलिए क्योंकि ये खिलाड़ी भारतीय टीम की हार पर कमेंटबाजी करने के इंतजार में बैठे होते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीय टीम पर टिप्पणी करने की ताक में बैठे रहते हैं। पहला नाम अब्दुल रजाक। टीम इंडिया क्रिकेट में सबसे सफल टीमों में से एक है। भारत ने अब तक कुल 4 ICC ट्रॉफी जीती है और एक बार संयुक्त विजेता रही है। लेकिन इसके बाद भी पाक टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी अब्दुल रजाक को जब भी मौका मिलता है वो टीम इंडिया को भला बुरा कहते हुए नजर आते हैं। अब्दुल रजाक को हमेशा ही देखा जाता है कि टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन के बाद भी वो टीम को ट्रोल करते हैं। अभी हाल ही में अब्दुल रजाक ने भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगलते हुए बोला था कि टीम इंडिया को डर है कि पाकिस्तान से हार ना जाए, इसलिए ये टीम पाक के साथ मैच नहीं खेलती है। लिस्ट में दूसरा नाम है मुस्तफिजुर रहीम। बांग्लादेश के दिग्गज बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहीम कई बार भारतीय टीम के खिलाफ बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। बता दें मुस्तफिजुर रहीम जब भी टीम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो काफी एग्रेशन में रहते हैं। वहीं बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2016 में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हराया था, जिसके बाद भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर रहीम ने विवादित ट्वीट किया था और लिखा था कि मैं बहुत खुश हूं, अब मैं चैन की नींद सो सकता हूं, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। लिस्ट में आखिरी नाम है निक क्रॉम्पटन का। इंग्लैंड टीम के पूर्व खिलाड़ी निक क्रॉम्पटन भारतीय टीम को जमकर ट्रोल करते रहते हैं। बता दें कि निक क्रॉम्पटन कई बार टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। निक क्रॉम्पटन कई बार भारतीय टीम के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर चुके हैं, जबकि निक क्रॉम्पटन को हमेशा भारतीय टीम पर निशाना साधते हुए देखा जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन खिलाड़ियों को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।